एक तो ये पार्किंग के हमसे फीस लेते हैं, लेकिन स्लिप इनके ये हमें नहीं देते। आवाम भी रोड पे चल रही है, गाड़ियां भी रोड पे चल रही हैं, पूरा रोड इसकी वजह से जाम होते हैं, पूरी पूरी लाइन लगी होती है। फीस ले रहे हैं तो ये गवर्नमेंट तक जा भी रही है कि नहीं जा रही? ठेकों पर पार्किंग दे देते हैं, एक मॉल बनता है लेकिन पार्किंग नहीं बनाते। ये पर्चियां भी खुद बना लेते हैं, कीमत भी खुद लिख लेते हैं, इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। गवर्नमेंट की हद तक कोई इनका कोई कुछ करने वाला कोई नहीं, एक बहुत बड़ा माफिया है। ये सिर्फ इस रोड की आप हालत देखें, ये सिर्फ और सिर्फ हालत इस पार्किंग की वजह से। अब आप देखें इसमें कितनी, एक रॉक के अंदर 4 से 5 बाइकें खड़ी हैं। अगर 4 से 5 बाइकें हटे तो एक वक्त के अंदर यहाँ से 3 कारें एक साथ गुजर सकती हैं। फिर सेकंड बात क्या होता है इसमें, एक तो ये पार्किंग के हमसे फीस लेते हैं, लेकिन स्लिप इनके ये हमें नहीं देते स्लिप। वो 20 लें 30 लें जितना भी इनका दिल चाहता है। और फिर एक बात और ये है कि पैसे देने के बाद ये भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपकी बाइक आपको मिल जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी बाइक का कौन सी चीज़ कहाँ से टूटी हुई है वो भी ये क्लेम नहीं करते कि चले हमने इनको अगर 20 रुपये दिए हैं तो एटलीस्ट ये हमें उस चीज़ की श्योरिटी हो दे ना कि हमारी बाइक सेफ भी रहेगी और ये इसमें कोई और नुकसान नहीं आएगा। तो ये एक मसला नहीं है, ये मसले बहुत सारे हैं। और ये जो इतना बड़ा माफिया है ना, ये मुझे नहीं लगता कि हम अगर इससे बात कर रहे हैं, मैं अगर कोई बात कहूँ या 20-30 लोग और कोई बात कहें, इनसे इनको कोई फ़र्क पड़ने वाला है? तजावुजात में सबसे पहले तो यही आता है, आवाम को चलने की जगह नहीं है। आवाम भी रोड पर चल रही है, गाड़ियाँ भी रोड पर चल रही हैं, लेकिन कोई पूछना नहीं, क्योंकि उसकी वजह है कि आला अफसरान हो या कोई भी हो या गवर्नमेंट इदारे हो, ये सब मिले हुए ठेकों पर पार्किंग दे देते हैं। एक मॉल बनता है लेकिन पार्किंग नहीं बनाते, और पार्किंग बनाते हैं तो वहाँ पे लोग खड़ी नहीं करते कि चलो भाई यहाँ पे 20 रुपये देंगे 30 रुपये देंगे पार्किंग खड़ी करेंगे। और आप पैसे नहीं दोगे तो इनकी इतनी बदमाशी कि यही कॉल करके आपकी गाड़ी भी उठवा देंगे। ये कैब भी खुद बना लेते हैं, ये पर्चियाँ भी खुद बना लेते हैं, कीमत भी खुद लिख लेते हैं, इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। ये पूरा एक माफिया है जो इनको चलाता है, जैसे भिखारियों का माफिया ना, भीख मांगने वालों का, इसी तरह इनका भी माफिया है। लेकिन इनको पूरी सपोर्ट की जाती है, बैकअप दिया जाता है तो ये करते हैं। ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है, वहाँ भी खड़ी है, लेकिन कोई इनको पूछने वाला है कोई भी नहीं है। जब अगर आपने इनको पर्ची नहीं दी तो ये आपकी बाइक भी नहीं लगाएंगे, और बाइक उठवाने वाले भी आएंगे तब ट्रैफिक पुलिस वाले आके से जाते बाइक उठाने। इस वक्त इतनी बाइकें खड़ी हैं आप देखें आपके पीछे, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं, क्यों नहीं उठा के लेके जा रहे गाड़ियाँ? ये गैरकानूनी नहीं है, ये फुटपाथ पार्किंग का है, ये किसका है? ये तो आवाम के लिए है, कोई पार्क बना बैठने की, यहाँ कुर्सियाँ होती थी बैठने की, वो सारी उठा के लेगा। बहुत गलत है, ये गैरकानूनी है, ऐसा होना नहीं चाहिए। पूरे रोड इसकी वजह से जाम होते हैं, पूरी पूरी लाइन लगी होती है, किसी को इमरजेंसी कहीं जाना है या पार्किंग वालों ने जो पार्किंग के करी है गलत किया हुआ है, होना नहीं चाहिए। जिनकी जगह है उन्होंने ठेका दिया हुआ पार्किंग वालों को, ये देखो 20-20 रुपये ले रहे हैं बाइक के, रोड इसकी वजह से पूरा जाम हो जाता है।